हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका चौथा पाठ जो कि है हम राज्य लिए मरते हैं। पहले मैं आपको इस कविता का सार बता देती हूँ, ठीक है? अब हम राज्य लिए मरते हैं शीर्षक कविता श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के नवम स्वर्ग से ली गई है, जिसमें उर्मिला राज्य के कारण उत्पन्न गृह कलह से दुखी होकर किसानों के सुखमय जीवन की प्रशंसा करती है। उर्मिला के अनुसार हम लोग तो राज्य के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि सच्चा राज्य तो किसान करते हैं। उनके खेतों में अन्न है, वे संपन्न है, पत्नी सहित घूमते फिरते हैं और संसार का सुख भोगते हैं। इनके पास गायें, उदारता, सहनशीलता, परिश्रम करने की भी शक्ति है। उनका अपने ऊपर गर्व करना, उत्सव त्योहार मनाना, निडरता पूर्वक विचरण करना अत्यंत सहज कार्य है। विद्वान चाहे व्यर्थ में धर्म पर तर्क वितर्क करते रहे, परंतु किसान तर्क वितर्क छोड़कर धर्म के मूल को समझते हैं। उर्मिला सोचती है कि यदि हम किसान होते तो राज्य की उलझनों से उत्पन्न मुसीबतों को कौन सहन करता। उन्हीं किसानों के सुख देखकर आज हमारे दुख दूर हो सकते हैं। हम राज्य के लिए ही परस्पर लड़मर रहे हैं। तो ये था इस पाठ का जो बेसिक सार था। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर क्या बताया गया। पहला, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब इसमें कठिन शब्द है, मरते हैं का मतलब ये है कि हम झगड़ते हैं या दुखी होते हैं। कर्षक का मतलब होता है कृषक, या आप कह सकते हैं किसान। वैसे ही संपन्न का मतलब धनी। विचरते का मतलब होता है चलते फिरते। भव का मतलब होता है संसार, और वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति। चलिए अब इन पंक्तियों में हमें क्या बताया गया वो मैं आपको बता देती हूँ। इन पंक्तियों में उर्मिला राज्य में व्याप्त गृह कला से दुखी होकर किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती हैं। मतलब ये उर्मिला कहती है कि हम तो राज्य के कारण गृह कला से दुखी हैं, जबकि सच्चा राज्य तो हमारे राज्य के वे किसान करते हैं जिनके खेतों में अन्न पैदा होता है। उनसे अधिक धनवान भला और कौन हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे दुखी और संपन्न अन्न उत्पन्न करने वाले किसान ही हैं। वे अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपसी कलह से मर रहे हैं। मतलब ये कि किसानों को सबसे सुखी माना है, क्योंकि वे स्वयं अन्न पैदा कर स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि राजवंशी राज्य के कलह से ही त्रस्त हैं। आगे पंक्तियां दी गई हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब इसमें गोधन का मतलब होता है गायों,
का मतलब सरल या आप कह सकते हैं दाने। वैसे ही सुधा का मतलब होता है अमृत। आगर का मतलब होता है भंडार या खजाना। श्रम का मतलब होता है मेहनत या परिश्रम। सागर का मतलब होता है समुद्र। देखिए, अब इन पंक्तियों में उर्मिला राज्य के लिए गृह कलह से दुखी होकर किसानों के संपन्न जीवन की प्रशंसा करती है। भाव अर्थ ये कि उर्मिला किसानों की प्रशंसा करते हुए कहती है कि किसान के पास गायों रूपी धन है, जिसके कारण वे धनवान और उदार बने रहते हैं। उन्हें अमृत की धारा के समान गाय के दूध की धारा आसानी से मिल जाती है और वे सहनशीलता के भंडार हैं तथा निरंतर परिश्रम रूपी सागर में तैरते रहते हैं, अर्थात वे सदा मेहनत करते रहते हैं, जबकि हम लोग राज्य के लिए परस्पर लड़ते मरते रहते हैं। मतलब ये कि किसान गायों रूपी धन से अमीर है तथा निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। आगे तीसरा, यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब इसमें जो कठिन शब्द है, उचित का मतलब है सही है, गर्व का मतलब होता है घमंड, वैसे ही उत्सव का मतलब होता है समारोह, पर्व का मतलब होता है त्योहार, प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार, रक्षक का मतलब होता है रखवाले, राखी करने वाले। इन पंक्तियों में भी उर्मिला ने किसानों के जीवन को अपने राज्य के लिए कलेग्रस्त जीवन से श्रेष्ठ माना, अच्छा माना है। भावार्थ, उर्मिला कहती है कि यदि वे किसान अपने ऊपर गर्व करते हैं तो उनका ऐसा करना बिल्कुल ठीक भी है। क्यों? क्योंकि वे हर अवसर पर समारोह करते हैं तथा त्योहार मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार उनके रक्षक हो तो भला वे किसी से क्यों डरेंगे? वे निडरता पूर्वक अपने समारोह तथा पर्व मनाते हैं। इसके विपरीत हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही मरते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसानों के आनंद एवं उल्लास में जीवन की झलक इसमें प्रस्तुत की गई है। चौथा, यहाँ पर बताया गया है करके मीन मेक सब ओर किया करे बुध वाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब इसमें जो मुश्किल शब्द है, मीन मेक का मतलब होता है दोष निकालना, या आप कह सकते हैं तर्क वितर्क करना या बहस करना। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान, या आप कह सकते हैं विद्वान। वैसे ही वाद का मतलब होता है वाद, विवाद, या आप कह सकते हैं बहस। शाखामयी बुद्धि का मतलब होता है व्यर्थ की बातें। तजकर का मतलब त्याग कर या छोड़कर।
मूल धर्म का मतलब होता है सहज धर्म, या आप कह सकते हैं वास्तविक धर्म। ठीक है, वैसे ही यहां पर धरते का मतलब होता है धारण करना या फिर पालन करना। देखिए, अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें मैं आपको बताती हूँ कि उर्मिला ने किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ माना है। मतलब ये कि उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं, चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वे विद्वानों के चक्कर में ना पड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। मतलब ये कि आडंबर पूर्ण धर्म के स्थान पर धर्म के सहज स्वरूप को अपनाना श्रेष्ठ है। पांचवा, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग? उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब इसमें भोगता का मतलब होता है उपभोग करना, भोग का मतलब होता है सुख, वैसे ही अन्नदाताओं मतलब किसानों, हरते हैं मतलब दूर करते। ठीक है, अब ये जो आखिरी पंक्तियां हैं इसमें जो उर्मिला है उन्होंने राज्य के लिए गृह कलह करने वाले राजघराने से किसान के सहज जीवन को श्रेष्ठ माना है। मतलब ये उर्मिला कहती है कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य की गृह कलह के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहन करता? यदि हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हीं अन्नदाता किसानों के सुखों को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि वास्तविक सुख किसान के सरल जीवन में है, ये ना समझकर हम इस अभिमान में लड़ मर रहे हैं कि राज्य हमारा है, जबकि वो असल में जो काम सुख से कर रहे हैं वो किसान है। तो ये था इस कविता का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।